कावेरी मामले पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन तेज। कर्नाटक में कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया और कई जगहों पर धारा 144 लागू। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को सहायता का आश्वासन दिया। कावेरी जल बंटवारे मामले को लेकर बेंगलुरु में हिंसा। बेंगलुरु में आगजनी और संपत्ति को नुकसान के कई मामले सामने आए। कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकी मारे गए। स्थानीय लोगों ने ईद से पहले पाकिस्तान की नापाक हरकत पर रोष जताया। कैबिनेट ने जीएसटी परिषद की प्रक्रिया, गठन और कार्यप्रणाली की मंजूरी दी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। दालों की कीमतों पर नियंत्रण और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दालों के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 20 लाख टन करने को दी मंजूरी। बड़े शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ से HEF बनेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से किया निलंबित। देवेंद्र सहरावत ने पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों पर टिकट के बदले महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया था। चुनाव नजदीक आने के साथ ही यूपी सरकार ने शुरू किया छवि सुधार अभियान। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे दो मंत्रियों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया बर्खास्त। विरोधियों ने कहा मजबूरी में और देर से उठाया गया है कदम। बिहार में शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में बड़ी तकरार। जेडीयू ने आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाने को कहा। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मसले पर राज्यपाल से की शिकायत। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को उनके पद से हटाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेघालय के राज्यपाल को राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरण महत ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मसलों पर हुई चर्चा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा से पहले ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री दमित्री रोगोजीन भारत दौरे पर भारत रूस तकनीक और आर्थिक सहयोग अंतर सरकारी आयोग के 22वें सत्र का नेतृत्व करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए अक्टूबर में भारत का करेंगे दौरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्डे को 12 दिसंबर को एक विवादित कारोबारी को विशाल रकम की अदायगी के मामले में फ्रांस की एक अदालत में कार्रवाई का सामना करना होगा। सीरिया में संघर्ष विराम लागू। रूस और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद सोमवार शाम से 48 घंटे के संघर्ष विराम की हुई शुरुआत। समझौते का मकसद सीरिया संकट का राजनीतिक समाधान करना है। महंगाई के मोर्चे पर आई राहत भरी खबर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर 5% पर पहुंची। रियो डी जेनेरो में जारी पैरालंपिक खेलों में दीपा मलिक ने महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा का सिल्वर मेडल हासिल किया। दीपा पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही कई बड़ी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है।